रही है जिमी शेरगिल के बाद इरफान कितना एक्साइटेड है जाने तेरे शहर? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने तेरे शहर का लेकर. ये सही मायनों में जिसे कहूँगा कि मेरी आवाज़ सुनी गई इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि एक हर सिंगर को जब वो एक गाना गाता है, तो जब मैंने साहिब बीवी भी गाया था उतना ज़्यादा नहीं सुनाई पड़ा वो, तो सही मायनों में जज्बा जो है वो मेरा डेब्यू बन गया है. सभी पूरी इंडस्ट्री ने ये गाना सुना. मेरे जितने भी इंडस्ट्री में फ्रेंड्स थे, सिंगर फ्रेंड्स थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उन सब लोगों ने बहुत बहुत मुझे इनकरेज किया और सबको बहुत पसंद आया. और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मेरी आवाज़ को इरफान खान का चेहरा और साथ में उसी फ्रेम में पहली बार मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इरफान खान और ऐश्वर्या राय फ्रेम में आ रहे थे, तो बहुत ही प्यारा. और को प्रावो मुखर्जी जिन्होंने मुझे ये गाना गवाया और इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन करी और लिखा भी उतना प्यारा, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक गॉड सेंट गिफ्ट टू मी दिस ईयर, एंड 2015 विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज ऑफ जज्बा. जो साहिब भी गैंगस्टर था उसमें जो आपने गाना गाया था वो एक डिफरेंट जॉनर का था, जज्बा एक डिफरेंट मतलब गजल हो जाता है, तो जो एक सिंगर रहता है उसकी आवाज़ जो रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टफ कुछ ऐसा आपको लगा कि गाने में कुछ नहीं? बल्कि जब से मैंने नॉन फिल्म में पहले किया करता था, वहाँ पर आप अपनी कम्फर्ट जोन में जो चाहे जैसे चाहे गा सकते हैं, बट जैसे ही मैं फिल्म म्यूजिक में आया हूँ उसके बाद से मैंने भी पुश किया है अपनी बाउंड्रीज को और मैंने कोशिश किया है कि मैं हर तरीके के गाने गाऊँ. तो साहिब बीवी और सुन करके और देख करके पढ़ करके मुझे बहुत ही हम्बलिंग, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. और यस, उस फिल्म के अंदर में जो ये आवाज़ थी इरफान खान पे, मुझे लगता है सब लोगों ने कहा है कि वो बहुत सूट हुई है. सो आई होप आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं उनकी आवाज़ बन पाऊँ. अंकित तिवारी के साथ आपने काम किया है, आगे भी करने वाले हैं जैसा कि आप बता रहे थे, तो कैसा कुछ कॉम्बिनेशन है अंकित के साथ? अंकित के साथ में मेरा बहुत ही अनूठा सा कॉम्बिनेशन है. वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं समझता हूँ कि फिल्म म्यूज़िक के अंदर में उन्होंने मेरे बहुत सारे जिसे कहते हैं छुपे हुए कलर्स जो थे वो बाहर निकाले हैं. मैंने उनके लिए बहुत मुख्तलिफ तरीके की कॉम्पोजिशंस गाई हैं, जिसमें से कुछ एक दो रिलीज़ हुई हैं और अभी जो आने वाली है देसी मैजिक, उसके अंदर मैंने एक बहुत ही यंग रोमांटिक काइंड ऑफ अ सॉन्ग उनके लिए गाया है और बहुत ही ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन है. एज़ यूजल मेरे बहुत ही पसंदीदा म्यूज़िक कंपोज़र हैं अंकित और सिंगर भी, तो मुझे बहुत बेहद खुशी है. मैं उनके साथ में जब भी कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ तो नया, एक नया कलर बाहर आता है. जैसे कि देखा जाए कि आपने पहले भी वीडियो एल्बम कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जमाना खत्म हो चुका है, तो आप क्या इस दौर को आगे बढ़ाने में मतलब आने वाला आपका एल्बम? जी क्योंकि अब इंटरनेट बहुत बड़ा मीडियम हो गया है किसी भी सिंगर के लिए. आज कुछ सिंगर्स जो हैं वो इंटरनेट पे स्टार्स हैं, तो क्योंकि हम ओल्ड स्कूल टेलीविजन और रेडियो से आते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आया कि नॉन फिल्म फिर से बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट हो रहा है. और अभी हाल ही में जज्बा से पहले लास्ट मैंने एक मुरीद करके जो है गाना जो मनन भारद्वाज ने कंपोज किया था और लिखा था वो मैंने किया था, और मुझे उसका रिस्पॉन्स भी बहुत कमाल का मिला पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री से और मेरे जितने भी फैंस थे और जहाँ जहाँ पे वो मैंने परफॉर्म किया है वो गाना बहुत लोगों को पसंद आया. तो अभी उस सिलसिले को जारी रखने वाले हैं और नए साल के अंदर बहुत जल्द एक बहुत ही प्यारा सा एल्बम, एक सिंगल करने वाले हैं. मैंने सुना है सर आप एआर रहमान के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? रहमान साहब के साथ में हर सिंगर की ड्रीम होती है परफॉर्म करने की और गाने की. तो कुछ लगभग बहुत साल पहले, मुझे याद भी नहीं है, 8-9 साल 10 साल पहले मुझे उनके साथ मौका मिला दुबई और मलेशिया के अंदर में. मैंने यूनिटी ऑफ लाइट पीस कॉन्सर्ट्स थे, उनमें मैंने गाया रहमान साहब के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि उनको फिर से वापस से टच में आकर के कि कहीं ना कहीं हम लोग एक बार फिर से कोलैबोरेट करें और मैं उनके लिए कोई गाना फिल्म में गाऊँ और वापस से उनके साथ स्टेज पर आके वो परफॉर्म करूँ. आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि और कैसे कैसे बड़े स्टार्स को आवाज़ देने वाले हैं आप? आपकी जुबान मुबारक.
मैं चाहूंगा कि बड़े स्टार्स और कोई भी अच्छे एक्टर्स के लिए मैं गाऊं, मेरा गाना ऐसा हो जो लोगों के दिलों में उतर जाए. और आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा देसी मैजिक जो अमीषा पटेल प्रोडक्शन है, उसमें मेरा बहुत प्यारा एक रोमांटिक सॉन्ग है, और एक फिल्म है मुसलमान जिसका टाइटल है, उसके अंदर भी मैंने एक बहुत ही प्यारी सी कॉम्पोजिशन गाई है, जिसके अंदर मैं एक मॉडर्न और एक जो आपको पहले चीज सुनाई पड़ती थी उसका एक कॉम्बिनेशन है. तो इस तरीके की फिल्म्स है जो अभी मैंने कहा है. सर जैसे ही कल क्रिसमस है तो क्या प्लान है, कुछ प्लानिंग किया है क्रिसमस के लिए? क्रिसमस के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रिसमस ट्री हो घर पर और केक बेक किया जाए, और चर्च में जाकर के हम लोग एक बारी प्रे करें, और मदर मैरी, अब हम जब से बॉम्बे आए हैं तो मदर मैरी पे जाकर हम कैंडल लाइट करने जाएंगे, और खूब डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, बच्चों के साथ में हमेशा मस्ती करते हैं. क्रिसमस जो है वो एक बहुत ही अनूठा सा पर्व है जो हम बहुत सालों से मनाते हैं, और धर्म का तो हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम हर धर्म के हो चुके हैं. जब ईद आती है तो हम ईद मना लेते हैं, जब क्रिसमस आता है तो हम क्रिसमस मनाते हैं, और जब से बॉम्बे में हम लोग मूव करे हैं तो हम गणपति हर साल मनाते हैं, हर साल घर पे बुलाते हैं. तो बहुत हम लोग तो बस एक रीजन ढूंढते हैं टू सेलिब्रेट लाइफ, और क्रिसमस तो हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. न्यू ईयर आ रहा है और यू नो न्यू ईयर में सिंगर्स एक्टर्स सारे लोग परफॉर्म करते हैं, और वो चाहते हैं कि न्यू ईयर उनका परफॉर्मेंस बड़ा हो. जी. तो आपके जानना चाहेंगे कि आप कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं न्यू ईयर? इस न्यू ईयर्स ईव पे मैं एक बहुत ही प्यारे वेन्यू पे परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मेरा बहुत पसंदीदा वेन्यू है. जितने भी लोगों ने अगर नाम सुना होगा किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर जंगूरा नाम का ब्रॉडवे, जो वन ऑफ अ काइंड है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, अगर कहीं पे ब्रॉडवे होता है तो वहीं पर होता है. तो इस साल हम दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं, और ये बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि जज्बा के बाद ये मेरा न्यू ईयर, मैं जहाँ पर मैं जज्बा का गाना जाने तेरे शहर का परफॉर्म करूँगा, और बहुत सारा और मेरा जो पुराना रेपर्टोर है और जो आजकल के करंट हिट्स हैं, जो पंजाबी है क्योंकि खासकर दिल्ली में पंजाबी बहुत चलता है, तो इस सब का एक अमेलगमेशन रहेगा. सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ब्रांड न्यू ईयर व्हिच आई एम गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग सिंगिंग अगेन ऑन द स्टेज 31 दिसंबर को. वहाँ पे परफॉर्म करने से पहले आपके एक जज्बा का गाना सुनना चाहेंगे आपके लिए? जी जरूर. कि जाने हम पे कौन सी ऐसी तोहमत है, समझ न पाए अब है या ये आदत है, मलमल में लिपटे हैं फिर भी बिखरे हैं, बस ये जाम हमारा है हम इसके हैं, यूं तो मेरा दर्द ही एक दवा सा है, हर घड़ी जिंदा हर दिन नया सा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है. जाते जाते अपने दर्शकों को क्रिसमस और न्यू ईयर की मैसेज जो आप देना चाहें. I wish you all a very, very happy Merry Christmas and a very happy New Year. I hope this year brings you a lot of happiness, a lot of wealth, a lot of good health, and keep smiling and keep shining always and forever. Thank you. Thank you. Indita, chai is ready? Is the chai ready? यानी वो किसी न किसी तरह से उस केस के इन्वेस्टिगेशन